हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सनी फैमिली ब्लॉग में और मैं हूं अर्चना। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जी, आज है कुछ खास दिन, और ख़ास दिन क्या है वो आपको अमय बताएगा। हेलो बोलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूँ अमय। आज है पापा जी का बर्थडे और आज शाम भी आ रही है, तो आज तो अमय के लिए डबल डबल खुशी है। सुबह से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, सुबह से ही बहुत ज़्यादा कूदता फिर रहा है। ये क्या आदि भी अभी तो फिलहाल सो रहा है, देखो उठने लग रहा है। तो जैसे हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है ना, तो ये सुन रहा है और उठने लग रहा है सुन के। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बोल रहा है मम्मा ट्यूशन नहीं जाऊँगा। तो मैं बोल रही हूँ कि मतलब जो भी काम होगा सानू भी शाम तक आएगी, जब तक ये ट्यूशन से आ जाता है जब तक वो आ जाएगी। और जो बाबा जी का बर्थडे है, जो खाना पीना बनाएंगे, जो भी करेंगे, केक वेक काटेंगे, वो भी शाम को ही होगा, क्योंकि ट्यूशन तो ये 5 बजे जाता है। 5 बजे तो नहीं काटेंगे क्योंकि इसके डैडी भी आने वाले हैं। शानू आ रही है, ये भी उठ गया। आदि खिला दो बब्बा जी को, केक खिला दो। आंखें नहीं खुल रही है, और आंखें नहीं खुल रही है। खोली भाई, खोली भाई, आदि ने आके कैसे अच्छा। तो दोनों बच्चे सुबह से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बाबा जी के बर्थडे पे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इनको ट्यूशन भेज देती हूँ। इनके ट्यूशन का टाइम होने वाला है, देखिए 4:30 से ऊपर हो गए हैं। और अभी तो जो भी काम होगा वो 6 बजे के बाद ही होगा, मतलब जब ये ट्यूशन से आ जाएंगे और इनके डैडी आ जाएंगे और सानू और आ जाएंगे, तभी होगा। तभी खाना बनना बनेगा और तभी केक कटेगा खाना बनाने के बाद। तो मतलब जो भी होगा उसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। और ये देखिए, आदि भी उठ गया है। आदि चलो, आज क्या है बताओ। हेलो बोलो फ्रेंड्स को, बताओ। आज है मेरे बाबा जी का बर्थडे। आप क्या करोगे बाबा जी के बर्थडे पे? बस ये तो सुबह से यही बोल रहा है, बाबा जी को केक खिलाऊंगा। चलो खिला देना। अभी तो खाओगे? आदि भी खाएगा, आदि भी खाएगा। अच्छा, तो बस अब इनको मैं ट्यूशन भेज देती हूँ और फिर बाकी का जो वीडियो होगा आपके साथ जरूर शेयर करें। तो बस लगते हैं अपने काम पर। तो देखिए फ्रेंड्स, सानू भी आ गई है और आदि भी ट्यूशन से आ गया है, और बड़ी मम्मा लेने जा रही हैं अमय को। 6:30 बज गए हैं, बस वो भी आने वाला है। तो आदि पास में पड़ता है इसलिए वो पहले आ गया। और देखिए सानू को, दोनों बच्चे चिप्स खा रहे हैं। हेलो बोलो सानू। हेलो, ऐसे बोलो हेलो। आदि आप बोलो हेलो। आदि को आदत हो रही है और सानू को आदत नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं रही है, शर्मा रही है बहुत ज़्यादा। सानू शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। ऐसे बोलो हेलो फ्रेंड, चिप्स खा लो। आदि आप बोलो हेलो फ्रेंड, चिप्स खा लो। जोर से बोलो, बोलो चल रहा है। तो बस समय भी आने वाला है और अब मैं इनको दे देती हूँ चाय बना करके। प्रिया आई है, इसके डैडी भी आ गए हैं, तो ये बच्चे तो चिप्स खा रहे हैं, तो मैं उनके लिए बना देती हूँ चाय। तो यहाँ पे मैंने प्रिया को और बच्चों के डैडी को इनको चाय बना के दे दी है दोनों को। तो हम लोगों ने तो अभी पी के, हम तो मतलब अभी पी के बैठे थे 1 घंटा पहले ही। तो 5 बजे बना देती हूँ मैं डेली शाम को चाय, और ये लोग 6:15 बजे आ गए थे। तो बस इसीलिए इनकी बना दी थी हमने, अपनी नहीं बनाई थी। यहाँ पे बस मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं, इसके बाद करती हूँ मैं खाने की तैयारी। फिर किचन में बर्तन फैले रहते हैं तो फिर खाना मतलब अच्छे से नहीं बन पाता, भीड़ सी रहती है। तो इसी वजह से बस पहले मैंने यहाँ पे बर्तन साफ कर दिए हैं और उनको अपने लगा दूँगी कि दिन का पानी से निकल जाएगा। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर सब्ज़ी आज मटर पनीर की बना रही हूँ। बच्चों सुबह से ही बोल रहे थे कि मम्मा मटर पनीर बना देना, तो बच्चों को पसंद है। और जब बर्थडे वगैरह होता है कुछ भी, तो अक्सर बनवाते ही रहते हैं वैसे भी। तो बर्थडे वगैरह में तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे बच्चे पनीर मांगते हैं, तो वो बना देते हैं पनीर भी। वैसे तो बहुत सब्जियाँ बनाने को, लेकिन जब बच्चे जो मांगते हैं वही बनाना पड़ता है।
और बस यहाँ पे मैंने प्याज चॉप कर लिए हैं, और ये जो टमाटर हैं इनको मैं चॉप नहीं करूँगी, इनको जो छोटा सा कद्दूकस होता है उसी में कर लूँगी, क्योंकि छिलके जो होते हैं ये आदि के डैडी को मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, निकाल निकाल के फेंकते हैं, तो इसी वजह से मैंने इनको कद्दूकस कर लिए हैं, और छिलका एकदम से अलग हो जाता है, वो मैं डस्टबिन में डाल दिया। तो वैसे भी मैं काट के डाल लेती हूँ टमाटर, लेकिन जब आदि के डैडी आ जाते हैं तो मैं ये कद्दूकस करके डालती हूँ, क्योंकि इनको छिलका नुकसान भी देता है, स्टोन प्रॉब्लम है उनको, स्टोन है, तो इसी वजह से ज़्यादातर तो इसी वजह से मैं मतलब कद्दूकस करती हूँ, और जब मैं नहीं होते तो कभी आज मैं काट के भी डाल लेती हूँ। बस यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर काट के आ गई थी, और चावल मैंने ले लिए हैं, उनको अच्छे से 3-4 बार मैंने यहाँ पे धो के रख लिया है, तो बस थोड़ी देर उनको मैं रख दूँगी, तो मतलब नरम से हो जाएंगी, फ्रिंच जाएंगी। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ जो पनीर है हमारा, मटर है, इनको साफ कर लूँगी अच्छे से। बस यहाँ पे सबसे पहले मैं पनीर को ही कट कर रही हूँ, और छोटे छोटे क्यूब में मैंने काट लिया है। तो यहाँ पे प्रिया खड़ी है मेरे पास में, तो आज ही आई थी वो, तो हमारी बातें भी चल रही हैं और साथ ही साथ काम भी चल रहा है। और यहाँ पे ये जो सफल मटर आते हैं मार्केट से, तो इनमें थोड़े थोड़े से येलो से दाने थे जो मतलब ज़्यादा पक्सी रहे थे, वो मैंने निकाल दिए, और जो साफ साफ थे वो मैंने धो के रख दिए हैं, और अब मैं कर रही हूँ रायते की तैयारी। तो मैं बीच बीच में जो मुझे काम मिलते जा रहे हैं वो करती जा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने जो सानू है हमारी वो रायता नहीं खाती है, उसके लिए दही मैंने अलग से निकाल के रख दी है, और बाकी बच्चे बड़े हम सभी रायता खा लेते हैं, तो सबके लिए रायता बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना लहसुन मैं भूल गई थी काटना, तो बस अब मेरे याद आ गया, याद क्या आ गया, मैंने किचन में देखा तो देख के ही याद आया है, तो मैंने उसमें प्याज में अब काट के डाल दिया, और देखिए हमारी जो बूंदी थी वो अच्छे से पानी में फूल गई है। अब मैंने इसको निचोड़ के उसमें जो हमारी दही है उसमें डाल दिया है, और बस डालने के बाद जो हमारे मसाले वगैरह थे, धनिया सॉरी पुदीना और मैंने बना रखा है मसाला, वो डाल दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें लगा दिया था रायता तड़का। बस रायता हमारा बन गया था, उसको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है, तो ठंडा ठंडा रायता बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी, हम सबको मतलब ठंडा रायता अच्छा लगता है, सभी को ही अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ सब्जी बनाने की तैयारी में, तो सब्जी तो बस वही सिंपल तरीका है हमारा, मैं ज़्यादा मसाले तो यूज़ नहीं करती हूँ, जो भी मेरी मसाला दानी में रखे हैं मैं वही डालती हूँ, और मसाला दानी में वही है जीरा अजवाइन सौंफ धनिया, ये सब इतना ज़्यादा खड़े मसाले नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा जो प्याज था वो ब्राउन हो गया है, उसमें मैंने टमाटर वगैरह डाल दिए हैं, और उसके बाद पकाने के बाद टमाटर को थोड़ा सा जो दूध पे से मलाई उतार के रख ली थी वो भी मैंने डाल दी है, और 2-3 मिनट उसको अच्छे से पका कर फिर मैंने इसमें ये खोया डाल दिया, बस इसको भी थोड़ी देर पकाऊँगी। जब तक हमारा ये जो प्यूरी है ये बनकर तैयार होती है, तब तक मैंने यहाँ पे रख दिया है चावलों को पानी, और उसमें बहुत थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, क्योंकि यहाँ पे सबको हल्दी वाले चावल ही पसंद है, बिल्कुल थोड़ी सी डालते हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं, एक चुटकी हल्दी डालते हैं, तो ये है कि उनमें कलर सा आ जाता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। बस यहाँ पे आधी की रेडी, और हमें चल दिया है केक लेने के लिए, क्योंकि केक का टाइम भी हो रहा है, केक कट करने का, और खाना भी लगभग बस बनने ही वाला है, तो इसीलिए बस में हमें को लेके चले गए हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पकड़ के ले आएगा पीछे से। और इधर मेरी सब्जी भी जो मटर थे मतलब वो भी पककर तैयार हो गए हैं, और मैंने इसमें पनीर डाल दिया है, यहाँ पे चावलों का पानी भी हो गया था तो मैंने इसमें चावल भी डाल दिए हैं, तो बस दोनों चीज़ें हमारी बनने लग रही हैं। और यहाँ पे देखिए पनीर तो लगभग बन ही गया था, मैंने इसमें कसूरी मेथी डालकर फिर से इसको ढक दिया है, और बस जब तक दोनों चीज़ें अच्छे से बनती हैं तो यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ आटा। तो फ्रेंड्स बनी रहिएगा वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देखें चावल भी हमारे बन गए हैं, और आज मैंने चावलों का जो पानी है वो सिंक में ही निकाल दिया है, क्योंकि आज बच्चों ने मना कर दिया था कि मम्मा आज हम मांड नहीं पियेंगे, नहीं तो आगे हो रहा, मैं दोनों मांड बहुत ज़्यादा पसंद है, पी लेते हैं जब भी मैं बनाती हूँ, आज किसी उनका मन नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया है।
और अब यहाँ पे चल रही है केक काटने की तैयारी। तो देखिए थोड़ा सा केक हमारा बॉक्स के लग गया है, क्योंकि हमें जैसे पीछे पकड़ के ला रहा था थोड़ा हिल गया होगा, तो इसी वजह से बस थोड़ा सा लग गया है। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा है कोई बात नहीं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको केक कैसा लग रहा है। तो मैं बोल रहा था कि मम्मा केक मेरी पसंद का है, बताना कैसा लगा। चॉकलेट भी हो रहा है, नहीं पहले चॉकलेट सेलेक्ट कर रहे हैं मुझे कौन सी चाहिए मुझे कौन सी चाहिए। तीनों में एक मिल जाएगी, ब्लैक वाली भी और व्हाइट वाली भी। तो केक काटने से पहले यहाँ पे हो रही है तिलक की तैयारियाँ। तो मैंने अपने पापा जी को तिलक लगा दिया है और उसके बाद सानू जिद करने लगी थी, तो सानू यहाँ पे अब सबको तिलक लगाने लग रही है। पहले अपने भैया को लगाया दोनों को, फिर ताऊ जी को, मम्मा को और मुझे, मतलब सबको उसने यहाँ पे तिलक लगा दिया है। तो केक काटने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो कन्या है उसको हमने केक खिला दिया, मतलब पापा जी ने केक खिला दिया है, और उसके बाद दोनों बच्चों को भी खिला दिया है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब भी घर में हमारे घर में जैसे किसी बड़े का होता है बर्थडे, तो बच्चे साथ में बैठ जाते हैं और तभी हम केक काटते हैं, तो बड़ों को भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी लग जाता है। बस यहाँ पे पापा जी ने बच्चों को खिला दिया है और आई है बच्चों की बारी। तो बच्चे तो मतलब अमय केक काट रहा था लेकिन अच्छे से कट नहीं रहा था, और बच्चे ख़राब भी कर देते हैं केक, फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से बस अमय के गाड़ी उनको कट करके दे रहे हैं और बच्चे अपने पापा जी को खिला रहे हैं। ये देखिए आदि ने तो पूरा हाथ ही पापा जी के मुंह में डाल दिया था। और अब आई है सानू की बारी। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं, बहुत ज़्यादा। जिस दिन पता चलता है ना घर में किसी का बर्थडे है, तो सुबह से ही बहुत नाचते कूदते रहते हैं। और ये देखिए सानू से गिर गया है केक, कोई बात नहीं बच्चे हैं, तो बच्चों के घर में तो ये सब चलता रहता है, और बच्चे तो ऐसा करते ही हैं, तो खाते कम हैं और गिराते ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बस बच्चों ने भी खा लिया है और मतलब अपने बाबा जी को भी खिला दिया है। और अब आई है आदि के डैडी की बारी, तो आदि के डैडी ने भी खिला दिया है। तो बस यहाँ पे मम्मी रह गई थी केक खिलाए बगैर, और मम्मी भी आ गई है तो उन्होंने भी पापा जी को केक खिला दिया है। और केक खिलाने के बाद यहाँ पे बस हमने और प्रिया ने सब ने बच्चों ने सानू को छोड़कर, सानू भी कर लेती है कभी कभी ऐसा काम, बस यहाँ पे सब ने हमने आशीर्वाद ले लिया है। और बस अब बच्चों को हमने केक दे दिया है लगा करके, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, मम्मा केक दे दो, मम्मा केक दे दो। बच्चे सभी ऐसे होते हैं, तो बर्थडे वगैरह पे तो बच्चे और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चाहे मतलब कितना भी मीठा खा ले घर में, लेकिन केक के लिए तो बच्चे परेशान ही हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे सबके लिए लगा दिया है, और आप भी आ जाइए फ्रेंड्स, मुँह मीठा कर लीजिए। पापा जी ने केक काट लिया है और हमने सबने बच्चों ने मतलब सबने हमने केक खा लिया है। तो बस अब खाने की तैयारी करते हैं। देखिए खाने में मैंने ये चावल बना दिए हैं और मटर पनीर बना दिया है और रायता भी तैयार है। देखिए तो बस अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है, अब मैं फटाफट से पूरियां बना। तो केक खाने के बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पे बस खाने की तैयारी में, मतलब खाने की तैयारी में क्या, खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो बच्चे और बड़े सभी को भूख लग रही थी, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो जब घर में छोटे मोटे फंक्शन होते हैं थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो जैसे केक वेक कटता है तो टाइम भी लग जाता है इनमें थोड़ा बहुत। और बच्चों को यहाँ पे भूख भी लग गई है, भूख क्या, पहले तो जैसे उन्होंने केक खाया था तो उनका मुँह मीठा सा हो गया था, तो बस केक खाने के बाद फिर से खाना मांगने लगे थे, बोलने लगे मम्मी मीठा हो रहा है मुझे तो खाना दे दो। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट बनाने लग रही हूँ और मम्मी देने लग रही है। और आज अमय और सानू तो खा रहे हैं यहाँ पे,
लॉबी में बैठ के मैं देखिए, तो आज सानू अम्मा के पास ही खा रही है और आदि खा रहा है अपने पापा जी को डैडी के साथ। और आज आदि चावल नहीं पूरी खा रहा है बड़े मजे से। आदि को खाना कैसा लगा है बताओ? बहुत बढ़िया लगा। चलो, इसने खाया नहीं है, देखो क्या बोल। बहुत बढ़िया लगा है। कैसे लगा आज? इसने पूरी खाई, चावल छोड़ के आज पूरी खाई है। चावल का शौकीन। तो फ्रेंड्स, बच्चों ने तो खा लिया है, पापा जी ने और इसके डैडी ने भी खा लिया है। हम ही रह रहे हैं तीनों, मम्मी, मैं और प्रिया। बस हम भी अपना खाना लगा कर खा लेते हैं। चलिए जी, तो बस आज की ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस कल मिलेंगे, बाय बाय।